हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें दो तरीके होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। प्राइमरी में तो खुद की खून पसीना कमाई खुद की लगती है, घर घर जाके बेल बजा बजा के डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी खून पसीना खुद का भाग। और सेकेंडरी में खुद का खून पसीना नहीं बहेगा, किसी ने डाटा कलेक्ट कर रखा है उसका डाटा चोरी करके। मैं आपको बता दूंगा, मैं चोरी हुआ हुआ डाटा बताऊँ कुछ जिससे समझ पाऊंगे आप, फिर आप भी बता देना मुझे। जैसे कि एक डाटा चोरी हुआ हुआ, मैं अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाता हूँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाता हूँ। इवन आपसे देखो बेटा, स्टेट्स की वैल्यू क्या, तुम्हें समझाता हूँ। इंडिया में कितने करोड़ लोग हैं? 140। कोशिश है 150 हो जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे, हम होंगे काम। रिटर्न भरनी होती है इनकम टैक्स की, तुमसे पूछ रहा हूँ कितने लोग 2.5 लाख से ज्यादा, मतलब महीने के 20,000 से ज्यादा कमा लेते हैं। एक आइडिया लो, लगाओ कितने लोग 20,000 पर मंथ से ज्यादा पैसे कमा लेते होंगे साल के। 150 करोड़ मतलब साल में 2.5 लाख ज्यादा कितने लोग होंगे 140 करोड़ में से? तो एक ने बोला 100। बेटा कोई और, भैया 120 करोड़ कमा लेते होंगे। कोई और 100 करोड़, 120 करोड़। कोई और कुछ, किसी के मन में ना रखो बात को, निकालो मन से, 80 करोड़। भाई तुम तो इतने ऊपर इमेजिनेशन में चले गए, मैं तुम्हें बोलूं क्या? मुझे तो पता ही है कितना है, लेकिन लेकिन मेरी बातों पे विश्वास ना करना। मैं तुम्हें उनकी वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा कि भैया सही कह रहे हैं या भैया गलत। तुमने तो इतनी बड़ी फिगर बोल दी, इनकम टैक्स वाले हैरान हो जाएंगे। इंडिया में 10 करोड़ लोग भी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते। तुम कह रहे हो 100 करोड़, तुम कह रहे हो 80 करोड़, यहाँ 10 करोड़ भी नहीं है भैया। अच्छा, अपने आप ही गप्पे मार रहे हो आप। ये लो जी, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, ये सरकार की हमारी वेबसाइट है, और ये सरकार की वेबसाइट में तुम्हें खोल के दिखा रहा हूँ। और यहाँ सबसे ऊपर फ्रंट पेज पे आ जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड है। भाई आ जाइए, वरना पता चला ओहो 10 हो गए भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे लिखा है 10,54,82,980, जिसमें से 5 करोड़ लोगों ने ही रिटर्न आज के दिन क्या करी है, फाइल। मतलब ये तो लोग जो रजिस्टर्ड है। मुद्दे की बात, तुम्हें ज्यादा डीप में क्या लेके जाऊं, मैंने तुम्हें डाटा दिखा दिया कितने करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न अपना इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स की। इसी वेबसाइट पे क्या होती है, रिटर्न फाइल होती है। कल को जब भी तुम पैसा कमाओगे, महीने के 2 लाख, महीने के 4 लाख, साल के 40-50 लाख कमाओगे, तुम कमाओगे नहीं अपने पे कॉन्फिडेंस? भाई हमारी बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कल को महीने के 2, 4, 5, 10 लाख तो कमाओगे। जो पैसा कमाओगे वो इसी वेबसाइट पे जाके भरोगे। लेकिन हैरानी की बात यह है, खाली कितने करोड़ लोग ही रजिस्टर्ड है, 10 करोड़। तुमने तो भैया 100 करोड़, 10 करोड़ लोग भी इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते अभी तो इस साल। ये मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा क्यों नहीं करते, क्या है भाई मेरा वो टॉपिक नहीं। मेरा टॉपिक है ये, जो मेरा डाटा मैंने दिखाया, क्या मैंने खुद कलेक्ट किया था क्या? वो तो इनकम टैक्स ने कलेक्ट किया था, मैंने तो देख लिया, तो मेरे लिए कौन सा डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा। क्या बात क्लियर है या नहीं, क्या बात समझ में आई है? ऐसी मैं तो बहुत अलग अलग जगह से दिखा सकता हूँ तुम्हें, सारा गूगल बाबा का यूज करके, हर एक चीज का, जो भी पॉइंट। कॉपी का यूज करो, पेन का यूज करो, हाथ को थोड़ा सा कष्ट दो अपने। हेडिंग लिखो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें दो तरह के आएंगे, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। और उसमें हेडिंग लिखना पहले पब्लिश्ड। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड में क्या फर्क है वो भी मैं समझा दूंगा। आज 10 एक बच्चे छुट्टी पे हैं कम से कम, डंगर और मैसेज एक बच्चे का नहीं है बेटा। आपसे पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहा है वो? तो बेटा आपने बड़ी जल्दी बता दिया मुझे, और आप कह देते कि भैया को डायरेक्टली में बता दे, बेटा मुझे क्यों बता रहा है वो? आ गया बेटा कलयुग आ गया। चलो खैर, पब्लिश सोर्स में पहले दोनों का मीनिंग क्या है। पब्लिश का मतलब जहां, जो कहीं पे डाटा पब्लिश हो रखा है। अब उसमें अलग अलग हेडिंग सी लिखनी है। पहली हेडिंग लिखना कि किसकी पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट। तो हेडिंग लिखो पब्लिकेशन में, लिखा हुआ बेटा सामने अनपब्लिश। पब्लिश्ड में अलग अलग तरीके हैं, जिसमें पहला क्या है पब्लिश्ड। मैं अभी एक और दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें आज बढ़िया बढ़िया डाटा दिखाएंगे, ऐसी क्या बात होगी। गवर्नमेंट पब्लिकेशन का ही दिखाएंगे सबसे पहले, ऐसे नहीं कुछ भी रट्टा नहीं मारेंगे, आपको बता देंगे, सबकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। ये हम मैथ्स की तरह नहीं करते, वेक्टर आसमान में है ना, ये हम इस साइड पढ़ रहे हैं जो बच्चों को समझ में आएगी यहाँ पे, कि हाँ है, मतलब वो आसमान में, लेकिन कॉमर्स वालों को नहीं दिख सकता वो आसमान में है ना। फिलहाल इसमें सबसे पहले क्या आएगा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जिसमें एक एग्जांपल लिख लो, स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, वो सीधा दिखाता हूँ मैं आपको।
ज्यादा तो नहीं यार, चलो लिखना है तो लिख ही लो, मिनिस्ट्रीज लिख ही लो, क्या तुम अच्छे नोट्स बन जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। वैसे ये वर्ड सुने तुमने, मिनिस्ट्री? सिविक्स पढ़ी है तुमने 9th 10th क्लास में गलती से? अच्छा, जो पढ़ रहे हैं तो बेटा कोई मिनिस्ट्री बताना चाहोगे इंडिया की? बताओ, ये तो पढ़ रहे हैं। एक बच्चे ने तो फिर भी आंसर हिम्मत से दिया, हाँ सही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकती है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। कोई और मिनिस्ट्री बताना चाहेगा इंडिया में? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। बेटा ये अलग अलग मिनिस्ट्री है इंडिया की, जो अलग अलग डाटा पब्लिश करती है। मैं एक डाटा दिखाता हूँ, कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे बड़ा रुपया, क्या बाकी छोटी मोटी बातों में रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा दिखाता हूँ, इवन एग्जाम्पल में गवर्नमेंट बजट ही लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट बजट पब्लिश करती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था शायद, या नहीं? चलो लिख लो बेटा, पहले लिख लो, दो काम एक से साथ नहीं हो पाएंगे तुम्हारे से, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ बच्चे वहां लिखने। लिख लो बेटा, ऐसा लगता है ना जैसे इग्नोर मार देते हैं भैया, वो फीलिंग आई मुझे वो एग्जाम्पल देखे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या बोल क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट बजट पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मैं नॉलेज के लिए 2-5 मिनट फालतू तो लगा रहा हूं, वरना तो मैं इसे जल्दी भी खत्म कर सकता था। पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे क्या लिखा, कह रहे जो इंडिया में ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री है, जो काफी अलग अलग डाटा पब्लिश करती है रूटीन एक्टिविटी का। मैंने पहले तो तुम्हें ये कहा कि डगरू तुम्हें यही पता होना चाहिए इंडिया मिनिस्ट्री के थ्रू चलता है। इंडिया में हेल्थ के लिए अलग मिनिस्ट्री है, एजुकेशन के लिए अलग मिनिस्ट्री, और उसमें नेता लोग भी होते हैं हाई क्वालिटी के बेवकूफ लोग, जिन पे पूरी पावर होती है उस मिनिस्ट्री को मैनेज करने के लिए। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है ऐसी एक मिनिस्ट्री इंडिया की, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हर साल इंडिया में क्या बनाती है, गवर्नमेंट बजट। तुम्हें दिखा भी दूंगा ना, आपको पता है हमारे इंडिया में एक साल का जो बजट बनता है, जैसे 2022-23 का बना होगा, तो इस बजट में ये बताते हैं हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, एक साल में इंडिया में कितना पैसा लगता होगा। ऐसे ही बेटा मन में जो भी आ रहा है बोल दो, है? हाँ बेटा, जितना कमाएंगे उतना ही लगाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे साल में। अच्छा बेटा सारी लगा देंगे, फालतू लगा देंगे, क्योंकि सरकार है उसे पैसे जेब में नहीं रखने। कोई बताना चाहेगा बेटा कुछ मन में, कुछ वैल्यू सी आ रही हो, निकलने का मन कर रहा हो वैल्यू, है 10,000 करोड़। बंदे ने बहुत उछाल मारी, एक एक वैल्यू निकली मन से, 10,000 करोड़ की वैल्यू निकली। और किसी के मन में कोई वैल्यू है? 500 हजार करोड़ का मतलब हो जाएगा 5 लाख करोड़, कुछ मतलब 5 लाख करोड़, एक 5 लाख करोड़ पे गया, 35 करोड़ ओनली, 35 करोड़ बेटा, 500 करोड़। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम जो विजुलाइज भी नहीं कर पा रही, सरकार उससे ज्यादा पैसा लगाती है इंडिया से। तुम तो ये मजाक मजाक में कह रहे हो, 5 लाख करोड़ को 7 गुना कर दो, 35 लाख करोड़। अगर मैं फिगर में लिखूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक साल में इंडिया में पैसा लगता है 35 लाख करोड़ भैया, ऐसे ही हवा में ही कुछ भी। बेटा ये मैं नहीं बता रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बता रही है, और इसके जो पावर है वो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। तुम उस मिनिस्टर की पावर सोचो, जो तुम्हें मैं अगर 1 करोड़ भी दे दूं आज के दिन, तो तुम ऐसे हो जाओगे भाई साहब क्या आ गया जेब में। आप उस बंदी की पावर समझो जिस पे 35 लाख करोड़ लगाने की पावर है इंडिया पे, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की। कौन है पता है इस समय फाइनेंस मिनिस्टर? बनते कैसे हैं? उसके लिए 10 15 कत्ल करो, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है, उसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। और हैरानी की बात सही में ये है, मैं सबसे पूछूं तुम्हें कल को क्या बनना है, तो आंसर आता है भैया डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए, ये आंसर। वे किसी का कभी आंसर ये नहीं आता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। अगर बेटा नेता बन के ये पावर है, तुम समझ नहीं सकते भैया, हम कैसे मान लें, अपने आप ही कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। बेटा गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट
बजट कौन से साल का देखना है? यस, ये चैप्टर भी है, ये चैप्टर भी है, तो मुझे उस चैप्टर में ये तो इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखाया बेटा, मेरा तो देखा भैया, मेरा तो देखा भैया, अगर वैल्यू दिख जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उस फ्रंट पे वैल्यू कितने की है मैंने आपको बता दी, 35 लाख करोड़ का बजट था इस साल हमारा, जो बजट अपने आप में ज्यादा है, अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप नहीं देख पाऊंगे, क्योंकि तो जिस तरीके से ये काम कर रहा है, घूमता रहे भाई तू, घूमता रहे, हमें देखना ही नहीं, हमने बता दिया घर जाके चेक कर लेना, क्या पहला क्लियर है? सेकंड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वो फाइनेंस ने पब्लिश करा, सेकंड पब्लिकेशन कौन कर रहा है? सेमी गवर्नमेंट, जिसके एग्जाम्पल लिख लेना, सेमी गवर्नमेंट में एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कितनी बॉडीज सेमी गवर्नमेंट है, मतलब कुछ कंट्रोल सरकार का है और कुछ प्राइवेट का, जिसका एग्जाम्पल क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपोलिटिशन कौंसिल, लिख लो, मैं इसका भी एग्जाम्पल दूंगा, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का एग्जाम्पल लिख लो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। पहली वाली तो गवर्नमेंट की है फुल्ली, सेकंड वाली गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल है, कुछ प्राइवेट का है, सेमी गवर्नमेंट जिसमें का जो म्यूनिसिपैलिटीज का डाटा होता है, जैसे मुजफ्फरनगर में भी म्यूनिसिपैलिटीज है ना, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुजफ्फरनगर में म्यूनिसिपैलिटी है या नहीं? तुम्हें तो पता ही नहीं बेटा, कभी निकले ही नहीं फोन की दुनिया से बाहर, तो देखो कि मुजफ्फरनगर में एमडीए भी है, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुजफ्फरनगर में म्यूनिसिपैलिटी भी है, ये भी क्या करती है, टाउन हॉल पे है, बिल्कुल बेटा बात सही है आपने जिसने मुझे बताया, मुजफ्फरनगर में म्यूनिसिपैलिटी टाउन हॉल में है, ऐसे हर एक एरिया की म्यूनिसिपैलिटी होती है, दिल्ली की दिल्ली में होगी, गाजियाबाद की गाजियाबाद, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि आपके एरिया की क्या डेवलप करना, रोड डेवलप करना, तो ये आपके एरिया में, आपको पता है एक रोड पे कितना पैसा लगा देते हैं जब आपकी सड़क की रोड बनती है, क्या 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 कितने पैसे लग जाते हैं एक रोड बनाने पे, 40 से 50 लाख तो कहीं भी नहीं गया किसे बनाने में, एक रोड को बनाने में, भैया ये डाटा कहाँ से पब्लिश, कैसे बोल पा रहे हो, म्यूनिसिपैलिटी भी अपनी रिपोर्ट क्या करती है, पब्लिश करती है, ये बात है मैं वहां से बता पा रहा हूँ बेटा, हर एक डाटा है ऑनलाइन, लेकिन बेटा उसके लिए कभी टाइम निकालो जिंदगी में तो पता चलेगा कि अच्छा ऐसा डाटा भी पब्लिश हो रहा है। थर्ड लिखो जल्दी से, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, कितनी अलग अलग कमिटी और कमीशन बनी हुई हैं जो क्या पब्लिश कर रही हैं, रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, और ये कमिटीज और ये एक लाइन लिख लेना, ये कौन सी कमेटी है, ये कौन सी कमीशन है, लिख लो फिर समझाऊंगा इसका भी एक एग्जाम्पल दूंगा, कमेटी और कमीशन को कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट, ये कमेटी बना के ये क्या रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये भी काफी सारी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देती है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस पॉइंट को भी। पहले तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज थी, फिर गवर्नमेंट के साथ सेमी गवर्नमेंट हुई, फिर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री नहीं, उन्होंने क्या बना दी, कमेटी बना दी, मैं बताऊंगा कमेटी का भी, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, क्लियरली लिखा ये कमेटी या कमीशन कौन बना रही है, गवर्नमेंट, जिससे कि ये भी काफी सारा स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2012 में या 11 में, या तुम बच्चे थे पहली बार, तो तुम्हें वो वाला एग्जांपल तो अच्छे से दे नहीं सकता, बच्चे होंगे मतलब 4-5 साल के, इससे ज्यादा क्या ही रहे होंगे तुम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, या गलत हूँ मैं, 2022 18 साल, नहीं, 6 7 8 साल के होंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा था बता, पहली बात तो 2016 पे आता हूँ, 8 नवंबर 2016, किसी को याद है ये दिन, रात को 8 बजे मोदी जी न्यूज चैनल पे आए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी, जो मोदी जी ने ये न्यूज अनाउंस करी, आपको क्या लगता है ये न्यूज, ये डिसीजन मोदी जी ने 1 मिनट में ले लिया होगा, मोदी जी का मन करा चलो कुछ तूफानी करते हैं, और मोदी जी आए और मोदी जी ने बोल दिया मेरे प्रिय भाई और बहनों आज से ये लीगल करेंसी नहीं रहेगी, या इसके पीछे काफी प्लानिंग हुई होगी, क्या लगता है आपको बेटा, जब ये उन्होंने रिपोर्ट, ये उन्होंने जब स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि हमने 5 10 साल पहले कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी ने हमें रिपोर्ट दी, कमेटी में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ नहीं होते, जैसे पॉलिटिशियंस को, तो मैं ज्यादातर पॉलिटिशियंस को अनपढ़ कहता हूँ, बिना पढ़े लिखे हो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ये कमेटी होती है ना, यहाँ पे पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अपनी फील्ड के एक्सपर्ट वो होते हैं, उन्होंने, आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था,
मोदी जी का मन कर रहा था कुछ तूफानी करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना था। और आपको ये नहीं पता एक मेजर रीजन था टेररिज्म बेटा, इंडिया में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था। अगर हम उस समय उस लीगल टेंडर को इलीगल ना करते तो पाकिस्तान के कितने आतंकवादी इंडिया में थे जिनके पास 500 हजार की फेक करेंसी थी। ये बात मोदी जी को कहां से पता चली थी? कमेटी और कमीशन्स की रिपोर्ट्स थे। इंडिया में अलग अलग कमेटी काम करती रहती है इन चीजों को लेके। क्या कोई अटैक तो नहीं होने वाला? मोदी जी को जैसे ये बात चला, लोग तो समझते हैं कि ब्लैक मनी मेजर इशू था, वो तो था, लेकिन उससे भी बड़ा इशू था फेक करेंसी इंडिया में आ गई थी। 500 हजार की फेक करेंसी इतनी सर्कुलेट हो गई थी, अगर हम उसे उस समय बैन ना करते तो हम उसको रोक ही ना पाते, सबके पास नकली नोट घूम रहे होते और दूसरी बार टेररिस्ट अटैक भी हो जाता। मोदी जी ने इसलिए डिसीजन लिया। और एक और बात यार, तुम कितनी बार हम मैं भी या आप भी हम गाली तो दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को एक सेकंड में, आप एक बार अपने आप को उस पोजीशन पे रखो और समझो तुम्हें ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। भाई साहब अभी तो ये कर रहा हूँ, फिर कल को चाइना बाज नहीं आता, चाइना वो लेह लद्दाख में लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये पाकिस्तान छोटा सा बच्चा ऐसे समझ नहीं आता, ये कभी कश्मीर पे गोला फेंक देगा, कभी कुछ फेंक देगा, कभी इसे मैनेज करूं, ऊपर से घूमने भी जाना है। भाई साहब कितना मैनेज करना होता होगा। कितनी बार मैं भी आप बच्चों को पढ़ा के जैसे अभी था, भाई साहब ऐसा होता है कि बस आज बजा दो किसी के, है ना। मोदी जी अगर आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको कैसे कैसे डिसीजंस लेने पड़ते होंगे। तो भाई वो डिसीजंस ऐसे ही नहीं लिए जाते, काफी सारी क्या बनती है कमिटी और कमीशन। और भैया ऐसी फेंके जा रहे हो, मैं कुछ भी नहीं फेंकता, घर जाके इतना टाइम नहीं है, क्रॉस वेरीफाई करना है तो गूगल बाबा पे लिख लेना कि डीमोनेटाइजेशन का फैसला कौन सी कमेटी के रिपोर्ट पे हुआ था, तो वो पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको। अलग अलग कमेटीज की रिपोर्ट होती है, ठीक है। जल्दी से लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। आज तो बस ये कर पाए, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे जल्दी खत्म करते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें सीधा एग्जाम्पल लिखना हो जल्दी से करेंगे, बहुत बातें बता दी आपको, ज्यादा भी नहीं समझाना चाहिए, है ना, वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे ज्यादा गन्ना पूरे इंडिया में कहाँ बनता है पता है आपको? गन्ना, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? गुड़ चीनी कहाँ बनती है सबसे बड़ी? क्या बेटा? सबसे बड़ी गुड़ मंडी पूरे इंडिया में या पूरे एशिया में? पूरी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में। अबे कहीं तो हम आ गए हैं, एशियाज लार्जेस्ट गुड़ मंडी है, पूछा था आपसे। मतलब यार मैं सही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मेरे सही है ऐसी बात। बे डगरो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो कुछ सीख लोगे, कल को तुम्हारे इंटरव्यू भी क्रैक हो सकता है। बताओ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस तुम मेरी वैल्यू नहीं करते। बे फीस दे दो जिसकी फीस नहीं आई, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताए जा रहा हूँ फ्री में ही। तो बेटा ये डाटा में कैसे, मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं जो दिन का 1 लाख, जो 1 लाख टन, एक ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, 1 लाख टन पता नहीं कितना, 1 लाख केजी तो गारंटी के साथ, मतलब 1 लाख किलो गन्ने की क्रेशिंग करते हैं। मतलब उन्हें 1 लाख किलो गन्ना चाहिए डेली का शुगर मिल्स को, क्या चलाने के लिए? शुगर मिल्स चलाने के लिए, समझ रहे हो कितना? हाँ 1 लाख केजी ऑफ शुगर मिल्स को उन्हें चाहिए अगर उन्हें डेली बेसिस पे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे ये डाटा कहाँ से पता चलता है? शुगर मिल्स एसोसिएशन अपनी पूरा डाटा पब्लिश करती है आज के दिन, आप इसे भी ऑनलाइन देख सकते हो। अगर आप शुगर मिल्स देखना चाहते हो ना, पूरे इंडिया में कितनी शुगर मिल्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी शुगर मिल ऑपरेट कर रही है, वहां पे एक दिन में प्रोडक्शन कितनी है, ये सब ट्रेड एसोसिएशन डाटा क्या करती है, पब्लिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो भी उनके रिसर्च में मिलती है वो पब्लिश करती रहती है। मेरे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है इसमें आपको जो बताने का,
पहले एक लाइन लिख लो ये आराम से कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस अलग अलग डाटा पब्लिश करती रहती है। इसरो, बेटा इसरो आज के दिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया इंडिया का, आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते। आपको पता जरूर होना चाहिए, आपको बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के नाम तो पता होते हैं, लेकिन आपको जो रियलिटी में पढ़े लिखे लोग हैं जो सही में इसरो में काम करते हैं, आपको उनके बारे में नहीं पता होता। इंडिया ने मार्स में जो अपना मंगलयान भेजा था, अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो बेटा, उसकी जो पर यूनिट कॉस्टिंग आई थी ना, उसकी पर यूनिट कॉस्टिंग, मतलब अगर हम उसे मेजर करें यहाँ पे, अगर आपको एक टैक्सी भी बुक करनी हो ना, तो टैक्सी वाला भी 20 या 30 रुपए किलोमीटर लेता है। और हमने वो जो मंगलयान पे एक डिवाइस भेजा, मंगलयान इतनी दूर है, मतलब जो मंगल ग्रह है वो इतनी दूर है, आप सोच भी नहीं सकते। और उसकी कॉस्टिंग क्या निकली थी, 8 रुपीज पर किलोमीटर। बाहर के साइंटिस्ट भी हैरान रह गए थे, भाई इंडिया वालों ने कौन सा जुगाड़ लगा दिया, इतनी दूर डिवाइस भेजा। इतनी, बेटा आप एक बार कभी विजुलाइज करो कि मतलब आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो अर्थ से निकल के चांद, तो अगर आपको थोड़ा भी सोलर सिस्टम के बारे में पता हो, चांद तो ऐसे लगता है यहीं पे है। वो जो मास है वो तो उससे भी 3 या 4 गुना अगर आप डिस्टेंस लगा दोगे, इतनी दूर है। मतलब पता नहीं 200 या 300 दिन तो उसे ट्रेवलिंग में लगे थे उस डिवाइस को ट्रेवल करने में। और उसका खर्चा कितना निकला था, 8 रुपये 8 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर आपको सही में न्यूज हो पता हो तो बेसिकली अभी मंगल, जो अभी मंगलयान तो अलग हो गया, जो किस पे भेजा था, चांद पे हमने भेजा था, साउथ पोल पे। जैसे हमारी अर्थ ये है, एक तो है बिल्कुल इस एंगल पे कि हम इसकी बैक साइड से उतारेंगे, जो आज तक किसी ने नहीं उतारा था। और हमने चंद्रयान मिशन जो 2 था वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे सब हो गया था, वो यहाँ तक पहुंच भी गया था, बस फाइनल जब लैंडिंग होनी थी आखिरी के 2 मिनट, वो आखिरी में 2 मिनट में उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिसप्लेस होगी। उन्होंने जो ब्रेक लगानी थी, क्योंकि वो जो डिवाइस चल रहा होता है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा होता है, उस पर जब ब्रेक लगाने थे वो ब्रेक थोड़े से ज्यादा लग गए, वो डिवाइस सही से नहीं उतरी। अगर वो डिवाइस सही से उतर जाती तो वो भी एक अचीवमेंट बन जाती कि सबसे पहले चांद के साउथ पोल पे अगर कोई कंट्री पहुंची है तो वो कंट्री कौन सी पहुंची है, इंडिया। ये सारा डाटा, ये सारी मेहनत इंडिया में कौन कर रहा है, इसरो। और हैरानी की बात यह, तुम बच्चों को पता नहीं है, इंडिया में जब 1969 में जब पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था ना, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस अपने रॉकेट को साइकिल पे लेके जा रहे थे, तो लोगों ने मजाक बनाया था, वे ऐसी कंट्री भी रॉकेट लॉन्च करेगी क्या जो रॉकेट साइकिल पे लेके जा रही है। और आज ऐसी कंट्री पे इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन खुल गया है, बाहर की 104 कंट्री के रॉकेट हमारा इसरो लॉन्च करता है। तो जो ये इसरो जितना भी डाटा पब्लिश कर रहा है आज के दिन, अपनी जो रिसर्च कर रहा है वो कहाँ पे, सोलर सिस्टम पे, वो सारी की सारी पब्लिकेशन किसमें आ जाएगी, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ बेटा, कभी आप इमेजिन करने लगो ना कि हो क्या क्या रहा है दुनिया में, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितनी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने फील्ड में। हम तो अभी स्नैप भी लगे हुए हैं कि अपना स्ट्रीक सही से फॉलो हो रही है या नहीं। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लिख लो, एक आधा एग्जाम्पल दे देंगे, हेडिंग्स तो तीनों लिख ही लो। ये सारा प्राइमरी डाटा है भाई, इसरो चोरी नहीं कर सकता। इसरो को डाटा क्या, इसरो खुद मेहनत करके बनाता है, और तुम इसरो से क्या कर सकते हो, चोरी, कि इसरो ने मेहनत करी, तुम उसका डाटा चोरी करके सब स्टडी कर सकते हो। वो लोग मतलब पब्लिश चोरी करने के लिए करते हैं, मैं समझाने कैसे पर। हाँ तो बेटा बेसिकली वो पब्लिश चोरी करने के लिए नहीं। हाँ नासा, बेटा नासा इसरो से भी बहुत आगे आज के दिन, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो काफी सालों से काम कर रहा है, और हमारा इंस्टीट्यूशन अभी 50-60 साल पहले ही बना है, तो इसलिए फर्क तो है। नासा इससे भी बहुत आगे है बेटा। कितनी न्यूज, कितना डाटा आपको जर्नल और पेपर से भी मिल सकता है। सीधा एग्जांपल लिख लेना, इकोनॉमिक्स टाइम, गलती से तुमने कोशिश करी हो न्यूज़पेपर पढ़ने की, पहले शार्डन स्कूल में मिलता था जिसका बच्चा एरोप्लेन बना देता था और उड़ा देता था। बेटा हैबिट डालो कि आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ने की जरूरत है आपको, दिन में 10 से 15 मिनट, 15 स्ट्रीक बनाने की जरूरत नहीं है दिन में या 15 दोस्तों के साथ, 15 मिनट न्यूज पढ़ने की जरूरत है, जिससे अपडेटेड रहो कि आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें पता है रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है आज के दिन, दीन दुनिया का पता है आसपास, एक बच्चे का ही, बाकी तो भैया देख लो जो हो रहा होगा हमें नहीं पता। बेसिकली बेटा आपको पता होना चाहिए कि
कितने लोग जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो भी डाटा क्या करते हैं, पब्लिश। और लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे दी जो इंटरनेशनल लेवल पे डाटा पब्लिश करती है, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, ये सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। इंडिया ने 1991 में पता नहीं कितने ही किया था, 7 बिलियन US डॉलर का। ये बात मैंने कैसे बताई, क्योंकि ये डाटा कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। तो बेटा मैंने कोशिश करी कि हर एक एग्जाम्पल के साथ बता पाऊं कि दूसरों का डाटा यूज करके भी आप काफी स्टैटिस्टिकली स्टडी कर सकते हो। ये सारा का सारा सेकेंडरी में कौन सा हुआ आज, कल कोशिश करेंगे कि कौन सा समझा दें, अल्प पब्लिश, और कल इस चैप्टर को स्वाहा, बाय बाय। लेकिन बेटा उसे अंतिम संस्कार करने से, आप फोन में आज भेज दूंगा, मैसेज भेज देना बेटा, फीस समझ आज के लिए इतना ही।